झारखंड में ईडी की रेड पर सत्ताधारी दल ने केंद्र सरकार पर जमकर पलटवार किया है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर रेड मारी है, इसीलिए कांग्रेस और जेएमएम के विधायक इसे बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मीर ने कहा कि जब जब चुनाव करीब आते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखो, मैंने कल भी बता दिया, कानून अपना काम करना चाहिए, उसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। जहाँ कोई इरेगुलरिटी हो उसके लिए ऑलरेडी देश में, प्रदेशों में व्यवस्थाएं बनी हुई है। मगर जिस तरह से आपने देखा कि आज से 3 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ की बातें सुनते थे रोज़ ईडी सुबह शाम दोपहर, और राजस्थान में सुनते थे, मध्य प्रदेश में सुनते थे, तो उस तरह से अब चूंकि 2024 का चुनाव 100 दिन के आसपास आना है, तो ऐसे में ये मरकजी सरकार का एक तरीका है कि जो अपने अपने प्रांतों में या अपने एरिया में मजबूत लोग हैं और बीजेपी की पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी एक अपनी सोच है, ऐसे लोगों को कैसे भी मतलब क्रैक डाउन करें, कैसे भी उनको ब्रेक करें या समाज में उनकी इमेज कैसे डाउन करें। अगर तो इस तरह के लोग इस प्रेशर में आकर उनके साथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये तो गंगा जल से साफ होके निकल जाते हैं। ऐसे दर्जनों लोग पूरे देश में मौजूद है, आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक, जिनके ऊपर ईडी लगा, जिनके ऊपर इससे बड़ी बड़ी खबरें बनी, मगर बाद में अगर उनने रातों रात ज्वाइन दूसरे साइड किया। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनता की चुनी सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची जा रही है। गुप्ता ने कहा कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। टैक्स हो, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की वो संस्थाएँ हैं जिन संस्थाओं पर हम लोगों को नाज है, लेकिन यदि ये संस्थाएं बायस्ड होकर राजनीतिक कारणों से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की यदि योजनाओं में शामिल होंगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जनता की अदालत में जाना होगा। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक, एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो इसके खिलाफ में हम आवाज़ भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे, और हर जुल्म सितम को सहकर भी इस झारखंड को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संवैधानिक मूल्यों को बचाएंगे। बीजेपी के नेता हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते हैं, वहीं सत्ताधारी दल इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।